तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और वही मांगा सभी। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु जुड़ाने को
से हालेलुया, हमारा यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, अपने हाथों को बुलंद करने के, हालेलुया, हालेलुया, सब हाथों को बुलंद करें। बहुत सारे लोगों के अभी तक नहीं थे, छोड़ते हैं बड़े सब, हालेलुया। कितने लोग तैयार है अपने यीशु की आमद के लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन हम इंसान होते हुए फिर भी कहीं ना कहीं पर कमजोर है, हमें जो जोर बचता है वो खुदा का रूह है। हालेलुया, और खुदा का रूह हमें तैयार रखेगा हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए। हम ये ईमान रखते हैं, हालेलुया, हमें तैयार रखेगा, हमें बेदार रखेगा, और हम बादलों पर उसकी सिताइश करते हम करते उसका इस्तकबाल करेंगे। सब मिलकर कहें हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हाथों को बुलंद नहीं कर रहे, हालेलुया, आप अपने खुदा बाप के हजूर जब दाखिल होंगे तो अब्दुल आबाद उसे कदूस और कदूस कहेंगे। हालेलुया, और ये सारा बंदोबस्त हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हालेलुया, वी गिव यू प्रेज़ द गॉड। Oh,
अपने रंग हो पे
आपको बुलंद करना है, वो दौर में उसने अपने बच्चा को आगे रूप में रख दिया। हालेलुया, वो सच्चा बोले जहां जहां पर मौजूद है उसका दौर हमारे अंदर है। हालेलुया, आओ संगीत लड़ी है।
आइए अपने आप को बंद कीजिएगा। मेरी गुजारिश है जितने लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाए और हम इलाफत गुलाम के सुनाए जाने के लिए दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है पास इरफान से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज के इस मुबारक और मुकद्दस दिन के लिए खुदा मुद अपने खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। मुबारक है वो लोग पाखरू जिनका मददगार है, पाखरू जिनके साथ है। आए हम पाखरू के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वही जलाल के लायक है, वो जो इज्जत के लायक है, वो जो शहनशाहों का शहनशाह और शहनशाह अजीम है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पाक हजूर में आते हैं और झुककर तुझे सजदाए ताजीम पेश करते हैं, क्योंकि माबूदों में कोई तुझसा माबूद नहीं है, खुदावंदों में कोई तुझसा खुदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद खुदा तू अजीम है, तू भला है और तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारियां पुश्त दर पुश्त हैं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आज के दिन हम सबको इकट्ठा किया कि तेरे पाक हजूर में आकर ऐ खुदावंद खुदा उस मुस्तहक मददगार को जिसका वादा तूने किया, ऐ खुदावंद खुदा, और तूने अपने वादा को ईदे पेंटिकॉस्ट के दिन पूरा किया, हम ऐ खुदावंद खुदा उसको सेलिब्रेट कर सकें, उस याद को मना सकें, और ऐ खुदावंद खुदा तेरे उस रूह से जिसको तूने ऐ खुदावंद खुदा हमारे लिए नाज़िल किया कि हम उससे भरे, उसको हासिल करें और उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई में जिंदगी बसर करें। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे रूह कुद्स के लिए जो ना सिर्फ हमारी रहनुमाई करता बल्कि हमें आइंदा की खबरें देता और तेरे भेदों को हम पर आयाम करता है, तेरे भेदों को समझने का फसल देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और एक खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि अब जब तेरा खादम तेरे रूह की तहरीक से तेरे कलाम को बयान करने को है तो हम में से हर एक शख्स को ले और एक खुदावंद तैयार कर, तेरा रूह हमें सराहियत करे, तेरा रूह हमें समझ दे, तेरा रूह हमें तहरीक दे, हमें एक खुदावंद ये फजल बख्शे कि तेरे कलाम के भेदों को जिसे तो अपने बंदा से बयान करने को है समझ सके एक खुदावंद खुदा, और एक खुदावंद तेरे रूह की कुवत से इस दुनिया के अंदर एक बड़ा स्पिरिचुअल रिवाइवल ला सके ऐ खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ रोज उस तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे छूने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि हम सबको आज सुबह डबल पोर्शन अनॉइंटिंग दे ताकि ऐ रूह कुद्स तुझसे भरे हुए, रूह कुद्स की मामूली से भरे हुए कलाम को समझें, कलाम को सीखें और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। मैं तेरा शुक्र करता हूँ रूह कुद्स और मिन्नत करता हूँ कि जितनी देर तक तेरा मंसूब तेरे कलाम की खिदमत करता है तुम सलसल अपनी कुवत अपने अल्फाज अपने इल्हाम से अपने बंदा को भरते रहना ताकि हर एक लफ्ज हमारे लिए बरकत नजात और तरक्की का सबब बने। यीशु के नाम से आमीन। यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती, मुस्कुराते चेहरे के साथ आप सबकी सलामती, थोड़ा जब मुस्कुरा दो कोई बात नहीं, सिर्फ सेहत ही अच्छी होगी। आज का दिन मसीही दुनिया में बहुत अजीम और पावरफुल दिन है। इसको अक्सर यहूदी दिन या हम पुराने अहदनामों के साथ ज्यादा मिलाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी नजर में
आज का दिन मसीही दुनिया के लिए, बल्कि आलम की कलीसिया के लिए, बल्कि हर बशर के लिए। अगर हम पुराने अहदनामों में देखें, इसराइल के लिए पेंटिकोस बड़े मखसूस लोगों के लिए एक मखसूस दायरा आपको नजर आएगा, लेकिन ईद पेंटिकोस ही के दिन जब रूह का नजूल होता है तो बदसूर कहते हैं कि ये वो वादा पूरा हुआ है जो काम पश्चिम के लिए है, किसी के लिए नहीं। कई दफा पेंटिकोस लोग बड़े खुश होते हैं हमारा है ये के लिए, और कई दफा सुनते हैं कि अमानदारों का गुरू या उनका दायरा, उनकी जमात, उसको हम बड़ा मखसूस सा समझते हैं, लेकिन जब हम मकाशवर की किताब को देखते हैं, हर कौम कबीले से हर जबान का बोलने वाला एक बड़ा लश्कर खजूरों की डालियों के साथ हमें खुदा की हजूरी में नजर आता है। खुदा किसी खास मखसूस कौम का खुदा नहीं, ये याद है, खुदा सच का खुदा है। सबका खालिक कौन है? कौन है सबका खालिक? खुदा है। तो फिर खुदा ही जब सबका बनाने वाला, तखलीक करने वाला है तो सब भी उसी के है। यही तो उसका बड़ा फजल है कि वो अपना सूरज चमकाता है तो नेको और बदों पर चमकाता है, इसलिए क्योंकि वो खुदा है और उसकी रहमत अबदी है, उसकी शफकत अबदी है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन उसकी शफकत और रहमत से भरा हुआ पावरफुल दिन है जिसमें ये वादा पूरा होता है कि वो अपने कलाम को, अपने रूह कुदस को अपने लोगों पर अंधेरता और उसके लोग कुवत से भर जाते हैं। पेंटिकोस की जब हम बात करते हैं, यहूदियों में ये एक ईद है जो पेंटिकोस के हवाले से भी जानी जाती है, इसको पेंटिकोस के नाम से भी जाना जाता था। जब हम करूज की किताब को पढ़ते हैं 23वें बाब में, तो इसको फसल काटने की ईद के तौर पर भी मनाया जाता था, और जब हम गिनती की किताब उसके 28वें बाब को पढ़ते हैं तो इसमें इसको नजर करने की ईद भी के तौर पर, पहले फलों को खुदा के हजूर में पेश करने की ईद के तौर पर भी मनाया जाता था, बल्कि इस ईद को हफ्तों की ईद भी कहते थे। और इसी ईद को पेंटिकोस की ईद के तौर पर भी मनाया जाता था। इसी ईद के दो तीन नाम हैं, लेकिन हम सब पेंटिकोस के हवाले से इसे बेहतर और अच्छे तरीके से जानते हैं। पेंटिकोस की जब हम बात करते हैं तो ये अब्रानी का जो लफ्ज पेंटिकोस है, इसके मैनी 35 नहीं है, ये अच्छी तरह जान लेने की जरूरत है। ये अदद 35 की बात नहीं हो रही, कई दफा बहुत सारे मसीहों को, बल्कि ईमानदारों को मैंने कई ऐसे जो है पास्टर्स को कहते सुना, और पेंटिकास्टर की ऐसी 36 कास्ट है, यानी वो नंबरिंग के हिसाब से इसको दर्जा दे रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम इस तरह से हमारा फिगर, हमारा नंबर जो है ऊपर आए। लेकिन ये पेंटिकोस जो है ये 50वें नंबर को जाहिर करता है, और ये इस तरह से था कि यहूदियों में जो ईद फसा मनाई जाती,
ईदे फसा के 50वें दिन जो है ईदे पेंटिकोस्ट होती है। इसका ये दस्तूर या तरीका जो इनका यहूदियों में हमें नजर आता है, पुराने अहदनामे में नजर आता है, इसलिए ये 50वें दिन को जाहिर कर रहा है। हम कई दफा इसे 35 समझ रहे होते हैं, उर्दू की गिनती के अनुसार इसे मना रहे होते हैं, ये नहीं, ये 50वां दिन है। और फसा के 50वें दिन ईद पेंटिकोस्ट मनाई जाती है। लेकिन मसीही दुनिया में रूह कुदस के नजूल का दिन, ईद पेंटिकोस्ट का दिन जो है, मैं समझता हूँ ये ईद जो है ये ईद नजूल रूह है मसीहियों के लिए, क्योंकि इस दिन रूह कुदस का नजूल हुआ है और हम इसको इसी तौर से मनाते हैं। और मसीही दुनिया में ईस्टर के एतबार के 50वें दिन ईद पेंटिकोस्ट का दिन मनाया जाता है। कुछ ये फर्क नजर आ रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दिन मसीही दुनिया के लिए नहायत अहम है और इसको हर मसीही बल्कि हर कौम कबीले के शख्स को समझने की जरूरत है। अभी तक तो हम मसीही नहीं समझे, हम ये समझते हैं कि एक रोल जो है, एक ग्रुप जो है, एक मिशन वो समझी है, दूसरे नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये याद रहे कि ये किसी एक ग्रुप, ग्रोह, मिशन, कबीले, रंग, नस्ल, किसी एक जबान की बात नहीं, क्योंकि इस हिस्से को जब हम थोड़ी देर बात करते हैं तो फिर इसमें आपको नजर आएगा कि ये सब के लिए, हर जबान बोलने वाले, हर कौम के लिए, बल्कि लिखा है हर बशर के लिए। इसलिए ये ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर जो रूह का नजूल हुआ है, इसको हमें समझने और जानने की जरूरत है। जब यीशु मसीह कब्र पर फतह पाकर, मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हो जाते हैं और वो अपने शागिर्दों पर भी जाहिर होते हुए हमें नजर आते हैं, और अलमान की किताब में लिखा है शागिर्दों को कहा कि रुके रहो, ठहरे रहो, जब तक तुम्हें कुव्वत का लबास नहीं मिल जाता। इस पहले भाग में अमान की किताब, उसके पहले भाग में ये रसूलों से वादा किया गया, और आप अनाजील को पढ़े तो अनाजील में भी बार बार यीशु मसीह ने उन्हें जो है अपने शागिर्दों के साथ रूह कुदस की बात को किया। और जब यीशु मसीह कब्र पर, मौत पर फतह पाने के बाद आसमान पर चले जाते हैं, शागिर्दों को कहते हैं ठहरे रहो, और वो दबा में ठहरे हुए हैं। और इसी पहले बाप को आप शुरू से पढ़े, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आगे भी बोल रहा हूँ ताकि आप जो है इस बात को अपने घर में भी सीखने की कोशिश करें। पहले बाप को आप पढ़े अमल की किताब, तो ये 120 लोग हैं जो खुदा की हजूरी में ठहरे हुए हैं, मुंतजर हैं रूह कुदस के लिए, ये जो है वो रुके हुए हैं और ठहरे हुए हैं कि रूह कुदस उन्हें मिल जाए। और उसी दौरान ईद पेंटिकोस्ट का मौका आता है, और ये ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर खुदा की हजूरी में ठहरे हैं, दुआ कर रहे हैं। दूसरे बाप को पहले से, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं, अमाल की किताब दूसरा बाप पहली आयत से चौथी आयत तक,
जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, वो सब यानी 120 लोग जो है वो खुदावंत की हुजूरी में जमा है। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई जबानें दिखाई थी और उनमें से हर एक पर आठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ईद पेंटिकोस्ट का मौका है, रसूल दस्तूर के मुताबिक पेंटिकोस्ट के मौका पर गवाह में ईद में बैठे हैं, मौजूद हैं और इस मौका पर रूह कुदस का नज़ूल होता है और ये गैर जबानों की सूरत में होता है। ये सब के सब जो खुदा की हुजूरी में मौजूद हैं, ये सब के सब जो खुदा के बाद हुजूर में मुंतज़र हैं कि रूह कुदस की कुव्वत उन्हें मिले, कुव्वत का लम्हा उन्हें मिल जाए और दुआ कर रहे हैं और दुआ करते करते जब वो अपनी जबान में दुआ कर रहे हैं, खुदा की शिकायत कर रहे हैं, खुदा उनकी हम कर रहे हैं, खुदा उनकी प्रस्तुति कर रहे हैं, तो एकदम से उनकी जबानें बदल जाती हैं और ये 120 लोग गैर जबानों में खुदा की शिकायत करना शुरू कर देते हैं और सबके साथ गैर जबानों में खुदा की हम कर रहे हैं और खुदा के पाक नाम को जलाल दे रहे हैं। और जब ये 120 लोग इन्होंने गैर जबानें बोलनी शुरू की है, जब इन 120 लोगों ने खुदा की स्तुति करनी शुरू की है तो कुछ लोगों ने समझा है, कुछ लोग जान गए हैं कि क्या हो रहा है, कुछ लोगों की जबान ही में खुदा की स्तुति हो रही थी, वो बहुत से इलाकों से बहुत से जो है दूर के इलाकों से मौजूद थे, जो कई तरह की जबानें बोलने वाले लोग थे और जब वो देख रहे हैं सुन रहे हैं और कई लोगों ने देखा कि ये तो हमारी जुबान बोल रहे हैं, किसी और ने देखा कि ये तो और शख्स है लेकिन ये है अपरानी लेकिन हमारी जबान बोल रहे हैं, एक और ने देखा कि ये कैसे हो रहा है, ये तो हमारे मुल्क की जबान बोली जा रही है, ये तो हमारे इलाके की जबान बोली जा रही है। जब ये सब के सब गैर जबानों में खुदा की स्तुति उसके गहरे बेटों को लोगों पर जाहिर करते हुए नजर आते हैं तो कई लोगों ने कहा कि ये कैसे है, क्यों है और बहुत से लोगों को कई लोगों को समझ ना आई। आज भी बहुत से लोगों को जब हम गैर जबानें बोल रहे होते हैं समझ नहीं आती और वो कई तरह के जुमले बोल देते हैं जबकि ये उनके लिए खतरनाक है, रूह कुदस के कलाम बोलना अच्छा नहीं है। और जब कई लोगों ने ये देखा, कई लोगों का नहीं हमारी जुबान है, कई ने कहा कि कुछ भी नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं और उन्होंने जिन्होंने नहीं समझ पाए उन्होंने कहा कि ये नशे की हालत में है, ये ऐसे ही बुड़बड़ा रहे हैं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। इस मौका पर पत्रस रसूल ने जुर्रत की है और मैं समझता हूँ कि ये जुर्रत, ये कुव्वत, ये जोर उन्हें रूह की कुव्वत से मिला है, जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम कुव्वत पाओगे, यही पत्रस है जो यीशु मसीह का इनकार करने वाला है, यही पत्रस है जो यीशु मसीह को मलामत करने वाला है कि नहीं तेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, यही वो पत्रस है जिसको यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हट, ये वही पत्रस है जो बड़ा कमजोर हमें नजर आता है, जज्बाती नजर आता है, लेकिन वही पत्रस अब रूह कुदस की कुव्वत से भरा हुआ है, रूह कुदस के जोर से भरा हुआ है
रूह कुदस की पावर इसमें आ गई है और इसमें रूह कुदस की कुदरत से खुदा का कलाम जोश मार रहा है और ये बिल्कुल उस जोश में खड़ा होता है और उसमें वो खड़े होकर एक लेक्चर जो है एक जो है वाज जो है उसने शुरू कर दिया। उसने कहा तो भाई ऐसा ना बोलो कि ये नशे में है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कलाम पर गौर करें, योएल नबी के सहीफे की तरफ निकले और इसी दूसरे बाब में जो है पतरस रसूल उन्हें कहते हैं कि ये लोग नशे में नहीं बल्कि ये वो बात है सुनिए जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी कि खुदावन फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। योएल नबी के सहीफे में ये लिखा हुआ है, ये नबूवत हुई है और ये नबूवत जो कही हुई थी वो आज पूरी हुई है। हर बशर की जिंदगी में रूह कुदस की कुव्वत होगी और ये जो कुछ बोल रहे हैं जो कुछ आप सुन रहे हैं ये रूह के जोर में है, इसलिए क्योंकि ये योएल नबी के सहीफे में बहुत पहले कह दिया गया था और ये रूह कुदस के जोर से बोल रहे हैं। और साथ ही अगले से को आप पढ़कर देखें, ये दूसरा बाब जरूर घर में जाकर पढ़िएगा पूरा खुतबा, बल्कि कोशिश करें आप सब जो मुझे अपने घरों में भी देख रहे हैं सुन रहे हैं आप भी पहला और अमाल की किताब उसका पहला और दूसरा बाब जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसी में से मैं सारी बातें जो है वो कर रहा हूँ। अब ऐसा हुआ कि जब पतरस ने ये कहा रसूल ने कहना शुरू किया कि ये तो हर बशर के लिए है और साथ ही अगले ही हिस्से में उस जो रसूल हैं उनके साथ कलाम करते हैं कि तुम्हारे लिए एक मनाजी पैदा हुआ और आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हमने जात पाए। अब वो इसको यीशु मसीह की तरफ ले आते हैं, फिर यीशु मसीह का मसलूब होना, यीशु मसीह का जिंदा होना और यीशु मसीह की तालीमात को वो एकदम से उन पर क़याम करते हैं, उनको सुनाना शुरू करते हैं। जो ही उन्होंने कलाम सुना तो जो इतनी बड़ी जमात थी क्योंकि ईद पेंटिकॉस के मौका पर यरूशलेम में दूर दूर से सब लोग यरूशलेम में ईद मनाने आते थे और इसलिए यरूशलेम में है में खुदा के लोग जो है उस शहर में जो है भरे हुए होते थे और रसूल को मौका मिला है और रसूल ने कलाम सुनाना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि ये खुदा ही का फजल है कि रसूल कलाम सुना रहे हैं और इतने ज्यादा लोग सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ कितनी जबरदस्त बात है, खुदा ने उसे कैसा गला दिया है, ना कोई साउंड सिस्टम है ना कुछ है, लेकिन उस मौका पर 3,000 मर्दों ने खुदा के कलाम को कबूल किया। कितने लोगों ने? 3,000 लोग। अब ये जमात जो थी वो 3,000 से बहुत ज्यादा थी लेकिन उन लोगों में से 3,000 आदमियों ने खुदा के कलाम को कबूल किया है। इस हिसाब से आप लगाएं कि रसूल ने कितना गला फाड़ कर मनादी की है, किस कदर जोरदार और कोशिश करके उसने अपनी आवाज जमाई तक पहुंचाई है। साउंड सिस्टम नहीं है, लाउड स्पीकर भी नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, ऐसी सहूलत नहीं, लेकिन जैसा यशायत में हम देखते हैं टाउन बाग में गला फाड़ कर चला और रसूल ने बड़ी दलेरी खुशी और जान फशानी के साथ गला फाड़ कर मना दी है और 3,000 आदमी
खुदा के कलाम को कबूल कर ले। एक ही वाज में, एक ही तकरीर, एक ही लेक्चर के वसीला से 3,000 आदमी, लेकिन के 3,000 मर्दों ने खुदा के कलाम को कबूल किया। क्यों सर? 3,000 मर्दों ने खुदा के कलाम को कबूल किया है। खवातीन और नौजवानों का जिक्र नहीं है। इस मौके पर इतने ज्यादा लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया है। आज भी जरूरत यह है कि हम रूह के नजूल को समझें, रूह के नजूल को जानें और इसे अपने लिए ले। उन लोगों की तरह नहीं कि ये तो नशे में है, उन लोगों की तरह ये नहीं कि इन्हों का काम नहीं आ रहा, उन लोगों की तरह नहीं जो हमेशा तनकीद करते, उन लोगों की तरह खुदा की हजूरी में आए जो आजजी और फरोदनी करते हैं। और आजजी फरोदनी हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सबका, मैं बपतिस्मा भी ले लिया और मैं गैर जुबानों के तजर्बे को उन लोगों में रहकर मानता नहीं था। मगर नहीं बस लगे उन्हीं में घूमता, उन्हीं में रहता, सब मेरा सिस्टम उनके साथ, लेकिन गैर जुबानों को मैं नहीं मानता था। एक दिन हमारे चर्च में सिस्टर एलिस आई और अबादत हो गई। अबादत के बाद उन्होंने कहा जितने लोग रूस की तहरीक में ठहरना चाहते हैं, जो उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा हो, वो लोग ठहरे रहे, बाकी जमाई जा सकती है। मैं भी इंतजामी लोगों में से था, मैं भी रुक गया और मैं ये चाहता था कि आज उनके इस सारे सिलसिले को इस को देखा जाए। और यूं हुआ कि जब मैं वहाँ रुका हुआ था, जमाई खड़ी हो गई, दुआ शुरू हो गई, कई लोगों ने गैर जबाने बोलनी शुरू हो गई कर दी। मैं भी वहाँ खड़ा था, मैं लोगों को देख कर हंस रहा था और मैं लोगों पर हंस रहा था। बड़ी अजीब सी बात, ये मुनासिब नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता है भी फंस गए, मैं कहता है भी क्या है, और मैं लोगों की तरफ देख रहा था। सिस्टर एलिस उर्दू कर लेती हैं थोड़ा बहुत, वो उन्होंने मुझे देख लिया है, बंदा कुछ बकरा लिया अरे, और उन्होंने आए कहने लगे भाई जी आप भी दुआ करें। मैंने आपके भाई की दुआ करनी शुरू की और मैंने ये दुआ की है, खुदावंद अगर ये तजर्बा सच्चा है, हकीकी है, तो फिर मैं अपने आप को खाली करता हूँ, तेरे हवाला करता हूँ। ये कहने की बात थी, मैं भी उनकी तरह गैर जुबाने बोल रहा था और मैं खूब रूह में मामूफ हो गया और शायद मैं उनसे ज्यादा ऊंची आवाज में दुआ कर रहा था और बड़ी जो है जोश में था, रूह की कुव्वत में मैंने भी दुआ करनी शुरू की। आप सब जो हाजरीन है, जो नाजरीन है, मैं आपको ये कहूंगा कि फर्क तनकीद या इधर उधर की बातों को छोड़ें, कहें कि खुदा मैं हाजिर हूँ। यही आप अपने आप को पेश करेंगे, आप खुदा की गैर जबानों में स्ताइश करना शुरू कर दें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने सिखाने की जरूरत नहीं। कई जो है मिशनों में कह लें, लोग जो है गैर जबानी सिखाते हैं, ये सिखाने की बात नहीं है, ये तो ऊपर से रू का नजूल होता है और फिर लोग गैर जबानों में खुदा की स्ताइश करते हैं। आए आप सब अपने आप को खुदा की हजूरी में झुका दें और जितने लोग चाहते हैं कि उन्हें गैर जबानों का तजर्बा मिले, मेहरबानी से आप अपने आप को खाली करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और खुदा की तमजीद और
उसकी हम करना शुरू करते हैं। और जब आप पर खुदा का रूह कुदस जोर से उतरे और आपको कुछ अल्फाज मिले, तो फिर अपनी जबान को छोड़कर, इस तरह रसूलों ने अपनी जबान को छोड़कर उन अल्फाज को बोलना शुरू किया जो खुदा देता है, आप भी वैसा ही करने की कोशिश करें और ऐसा ही करें, यकीनन आप रूह कुदस से भर जाएंगे। और जैसा ये शमसी ने कहा कि कुव्वत का लबास तुम्हें मिलेगा, आप कुव्वत के लबास में जोर में खुदा की तंकीद करना शुरू करेंगे। हालेलुया, खास के नाच दे, आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे, खाली करके अपने आप को झुका दे, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दे। अगर आप पहले से गैर जबाने बोलने वाले हैं तो भी अपने आप को खाली करें, फख्र ना करें, आप भी अपने आप को खुदा की हुजूरी में आज भी और पड़ोसनी के दे, आपको और ज्यादा मामूरी मिलेगी, आपको और ज्यादा खुदा के रूप से कुव्वत और जोर मिलेगा। आप खुदा की हुजूरी में आ जाए, मेहरबान से हालेलुया और दुआ करना शुरू करें। Thank you.
अपने आप को खाली करें, खाली मशके अपने आप को बनाए ताकि वो नहीं मैं और मैं अपने कर पाए। हालेलुया, हमारे गुनाह चाहे जैसे भी हो, आज खुदा से कह के मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, अपने आप को सरेंडर करती हूँ, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, खाली करती हूँ ताकि आज खुदा का रूह मुझ पर भर जाए। हालेलुया, और आगे से मैं नहीं बल्कि खुदा का रूह मुझे गाइड करे कि मुझे क्या करना है, मेरे कदमों को संभाले। हालेलुया, I'm gonna make it.
Yahweh, 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 Yahweh,
शिला के नाम में आप सबके सामने चाहता हूँ कि एक पुकार है अलका रियाज डॉक्टर रियाज जकी उम 26 साल हालत कमारी सके नवाकिली की रहने वाली की शादी हमरा एजाज यकूब वल यकूब मसीह उम्र 28 साल हालत कमारा पटेल रोड के रहने वाले से मोरखा 20/6/2020 को होना करार पाई है। अगर किसी को कोई कानूनी या शरई वजह मालूम हो तो वो बोल सकता है। ये इनकी शादी की पहली पुकार है, 31/5/2020 इनकी शादी की पहली पुकार है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज की सारी इस इबादत के लिए और आज के इस मुकद्दस दिन, इस ईद के लिए और मसीह यीशु के उस वादा के तकमील के लिए जो उसने अपने शागिर्दों से किया कि मेरा ऊपर जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मुस्तहद मददगार यानी कि रूह को भेजता हूँ, और खुदावंद ने इस वादा को पूरा किया। आए इन सारी बातों के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ऐ आसमानी बाप, एक दफा फिर तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पाप हजूर में आते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे बहुत से गुनाहों के बावजूद, हमारी ऐ खुदावंद खुदा बुरी रविशों के बावजूद हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम तेरे पाप हजूर में आ सके और तेरे पाक हजूर में आकर तेरे पाक नाम को जलाल दे सके, अपनी रवशों को दुरुस्त कर सके, अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क कर सके और तेरे वादों को हासिल कर सके। मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि आज बहुत से ऐसे हैं जो इस दुनिया फानी से कुछ कर चुके हैं, मनोमट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, जिनकी जिंदगी में ऐसा लम्हा या मौका ना आ सका कि वो एक कदम तुझे कबूल कर सकते या तेरी इबादत कर सकते, लेकिन तूने हमें इस लायक समझा। ये तेरे बेटे यीशु का बड़ा फजल है और हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। कदम खुदा आज के दिन के लिए, आज की सारी इबादत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इस हाजर जमायत के लिए तेरा शुक्र करता और मसीह यीशु के नाम से तेरी कसरत की बरकत इनकी जिंदगी में चाहता हूं। खुदावन तेरा रूह कुदुस हर एक पर कसरत के साथ ठहर जाए और ये तेरे रूह से भर जाए। खुदावन मैं दुआ करता हूं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त ऐ खुदावन खुदा मुल्क एक बड़े बहरान से गुजर रहा है। ऐ खुदावन खुदा जैसा कि ऐ खुदावन तू जानता है कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इजलाह के अंदर ऐ खुदावंद खुदा टिड्डी दिल का राज है और उसने फसलों को बुरी तरह से तबाह किया है। मिन्नत करता हूं कि ऐ खुदावंद खुदा इस वबा से और इस ऐ खुदावंद खुदा टिड्डी से तो हमारे मुल्क को महफूज करते डरते हैं, यीशु के नाम से दूर करते हैं और अपने मुल्क के लिए सलामती और इस्तेहकाम की दुआ करते हैं। हर तरह का बहरान हमारे मुल्क से चलता रहे ऐ खुदावंद और मुल्क बहाल हो जाए, तेरे लोग खुशहाल हो जाए, तेरे लोग शादमान हो जाए। ऐ खुदावंद हमारे मुल्क पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हमारे मुल्क पर रहम कर और मुल्क को इस करोना से महफूज कर दे। ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ ऐ खुदावंद खुदा तमाम सिक्योरिटी एहलकारों के लिए, आधारों के लिए जो ऐ खुदावंद खुदा इस वक्त इस मुल्क की और तेरी कौम की और चर्चिस की हिफाजत के लिए तैनात हैं। ऐ खुदावंद तूने ब्लेस कर, उनकी परेशानियों को दूर कर और तू उनका मुहाफिज हो क्योंकि वो ऐ खुदावंद खुदा तेरे लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। मैं तेरा शुक्र करता और तेरी बरकत चाहता हूँ इस पुकार पर। ऐ खुदावंद खुदा
अभी से इस आई खुदावन खुदा बेटी और बेटे के लिए जिन्हें आई खुदावन खुदा शादी के बंधन में बांधने के लिए उनके शादी की डेट मुकर्रर की गई है, तो मैं उन इस जोड़े के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इस हदीये नसराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जिन तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है आई खुदावन खुदा, तो इनके हाथ की कमाई में बरकत डाल, इनके आई खुदावन खुदा खेत इनके खिते हमेशा बने रहे, आई खुदावन में इनके रोटी पानी पर इनके किचन्स पर तेरी बरकत छापा हुआ आई खुदावन, तेरे मंसूब के लिए तेरी बरकत और सेहत तंदुरुस्ती चाहता हूँ और एक एक को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आई खुदावन मेरा ईमान तकल और भरोसा तुझ पर है और तू कभी अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता। आज भी इसी ईमान और उम्मीद और तवक्कुल और भरोसे के साथ आई खुदावन तेरे बेटे यीशु के नाम से इस दुआ को तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं। आई खुदावन तो अपने फजल से कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। आई हम खुदावन की सुखाई की दुआ में शरीक हो, मेहरबान से अपनी जगहों पर खड़े होंगे, हाथों को दुआ के अंदाज में फैलाते हुए उस दुआ में शरीक होंगे जो मसीह ने सिखाई। उसने कहा जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करना, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और बाप की मोहब्बत रूह कुदस की रफाकत और शराकत आपसे लेकर तमाम कदस लोगों के साथ बिलखसूस हाजत जमात के साथ अब तलाबात होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक ज़रूरी ऐलान है, इसको ज़रूर सुनिए। आप जब यहाँ से चर्च से